अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसका नाम है लाहौर की चिकन नहारी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अंबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक देखिए, मैंने एक प्याली कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल दिया, वो गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। चार मैंने प्याज लिए, उसको बारीक काट लिए। इसे हम सुनहरे कलर में फ्राई कर लेंगे, सुनहरे कलर में। प्याज निकाल लिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर 3 चम्मच डालेंगे। तो ये माशाल्लाह से लाहौरी चिकन नहारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये यूनिक सी रेसिपी है। अदरक लहसुन हम भून गया, इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब अदरक लहसुन के साथ हम इसको डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। अदरक लहसुन के साथ हम इसको भूनेंगे, जब चिकन वाइट हो जाएगा तो उसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। मैंने आपको नल्ली नहारी बीफ की बनाना सिखाई है, अगर आपको वो रेसिपी देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार, ये चिकन लाहौरी नहारी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आप इसको भी ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। चिकन को हमने अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह देखे भून गया है और ये वाइट कलर आ गया है, इसके अंदर अब हम स्पाइसेस डालेंगे। एक चम्मच इसके अंदर पिसी मिर्च का जाएगा, 2 चम्मच इसमें पिसे हुआ धनिया, 2 चम्मच हम इसमें हल्दी का डालेंगे। और चिकन को मसालों के साथ आप अच्छी तरह भूनें। माशाल्लाह देखें, नहारी हमारी बेहतरीन से तैयार हो गई, मसाला भी भुन गया है और चिकन भी हमारा बेहतरीन सा गल गया है। अब इसके अंदर हम एक प्याली मैंने दही लिया है, इसके अंदर दही जाएगा नहारी के अंदर। इसको हम दही को इसके अंदर मिक्स करेंगे, 5 से 10 मिनट हम इसको ढक के रख देंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और ये बेहतरीन से हमारी नहारी तैयार हो जाएगी। 10-15 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। माशाल्लाह देखें, दही डालने के बाद चिकन हमारा भुनने पर आ गया है। अब इसके अंदर हम, जब ये भुन जाएगा, आयल ऊपर आ जाएगा, तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे, शोरबा बनाएंगे नहारी का। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, 4 से 5 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमने इसमें पानी डाल दिया, अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे हम।
शोरबे का पानी अच्छी तरह पक गया है। अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। 4 चम्मच मैंने आटा लेके उसको पानी में घोल लिया था। चमचे की मदद से आप इसको हिलाते जाएं ताकि गुठलियाँ नहीं बने। और जितना आपको गाढ़ा रखना है नारी का शोरबा आप उतना ही आटा ऐड करें इसके अंदर। चेक करते रहें आप। शोरबा देखें बेहतरीन सा तैयार हो गया है। हमारी नारी भी तैयार हो गई है। अब ऊपर से हम भुनी हुई प्याज डालेंगे। प्याज हमने निकाल ली थी इसके अंदर जाएगी। अदरक डालेंगे इसके अंदर। और हरी मिर्चें थोड़ी सी। अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी मैं। माशाल्लाह लाहौर की चिकन नहारी तैयार है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।